कराची जितना वसी है, हाँ उसको संभालने में हमारे आला हुकाम को थोड़ी दिक्कत का सामना है। मुझे आज भी याद है कि 15 रुपए की प्लेट मिलती थी सुल्तानाबाद में चने के पुलाव की, और उसमें 5 रुपए का मैं जर्दा मिलवाता था और मिक्स करके खा जाता था, और 25 रुपए की वो प्लेट होती थी जब उसमें वो बोटी भी डाल देते थे 25 या 35 रुपए की, और मैं वो अफोर्ड नहीं करता था, ये भी मैं वाजे करता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहसिन अब्बास हैदर, आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची पर, और हमारा ड्रामा आ रहा है दिल तन्हा तन्हा, जो कि हर बुध और जुमेरात की शब आप देख पाएंगे 9 बजे हम टीवी पर। स्टे ट्यून्ड। कराची यारा मेरा, क्योंकि हर 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 बंदे की एक स्ट्रगल होती है और उसको हमेशा फ्लॉन्ट करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपसे इंस्पायर होने के लिए बैठा हुआ है, कहाँ पे दुनिया के किस कोने में। क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर होता रहा जब मैं कराची आया था आज से कोई 15 साल पहले अपना करियर शुरू करने के लिए, नापा में म्यूज़िक पढ़ने के लिए, तो मैं विल स्मिथ की स्टोरी पढ़ता था, मैं शाहरुख खान साहब की स्टोरी पढ़ता था, मैं जिम कैरी को फॉलो कर रहा था, मैं ऐसे तमाम सेल्फ मेड लोगों को देख रहा था कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा भी वो टाइम स्ट्रगल का दौर था और मैं हमेशा उसको चेरिश करता हूँ। अब जब याद करता हूँ, मुश्किल टाइम था, फाके थे, पैसे नहीं थे, ऑलमोस्ट सबकी स्टोरीज सेम होती हैं कि वो कैसे चले और कैसे पहुँचे। एक वक्त का खाना खाने के पैसे हैं आपके पास, मुझे आज भी याद है कि 15 रुपए की प्लेट मिलती थी सुल्तानाबाद में चने के पुलाव की, और उसमें 5 रुपए का मैं जर्दा मिलवाता था और मिक्स करके खा जाता था, और 25 रुपए की वो प्लेट होती थी जब उसमें वो बोटी भी डाल देते थे 25 या 35 रुपए की, और मैं वो अफोर्ड नहीं करता था, ये भी मैं वाजे करता चलूँ। तो ये एक छोटी सी झलक है उस दौर की कि वो किस तरह से गुजरा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह पाक की दी हुई इस तरह की आजमाइशों से पास होकर गुजरते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप एक वीडियो गेम की स्टेज पार करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो दैट्स हाउ आई लिव माई लाइफ, कि मैं उसको एक एक दिन करके जी रहा होता हूँ। मुझे 10 साल बाद आप पूछेंगे ना कि कहाँ होंगे क्या होंगे, मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं होगा, मैं एक एक दिन करके जीता हूँ। मैं बहुत बहुत सीरियस नहीं लेता इस चीज़ को, ये शायद बाय द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ। कराची में देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल अकेला आया था और मैं रहा भी यहाँ पे अकेला वो जो 10 साल थे कराची के मेरे। लेकिन फिर गाहे गाहे जब चीज़ें बढ़ना शुरू हुई तो सबसे पहले सपोर्टर कराची में मुझे अच्छी तरह याद है मेरे थे सलामत अली खान साहब, जो मेरे म्यूज़िक टीचर भी थे। मैं और अली सफीना क्लास फेलो थे, अली बाहर से आए हुए थे ओमान से, मैं पंजाब से यहाँ आया हुआ था, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया शहर था। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम दोनों यहाँ पे परदेसी थे तो सलामत अली खान साहब हमें बहुत मोटिवेट भी किया करते थे। बकब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे पहली बार रेडियो पे जॉब मिली थी 107 पे, तो मैं बड़ा खुश होकर मैंने सबसे पहले इन्हीं लोगों को बताया था। तो अगर आप गौर करें कभी तो अली का और मेरा, अली सफीना का और मेरा करियर ऑलमोस्ट पैरेलल चलता रहा। मैंने रेडियो किया, अली ने रेडियो किया, अली ने वीजिंग की, मैंने वीजिंग की, अली को टीवी मिला, मुझे टीवी मिला, अली ने फिल्म की, फिर मैंने भी फिल्म की, तो हमारा बड़ा मज़े का एक वो साथ साथ चलता रहा। तो आई डू मिस दोज डेज। हमारे एक दोस्त और थे मसूद, अली मैं और मसूद के पास एक फटपटिया होती थी, वो नैपा में मूवी पढ़ते थे, वो गिटारिस्ट थे, तो हम लोग अक्सर उसी फटपटिया पे फिरा करते थे, क्योंकि हमें नज़दीक पड़ता था बंस रोड, तो बंस रोड पे खाना वाना खाने जाया करते थे। बंस रोड पे एक खोली भी थी जिसमें मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा, वो बड़ी मंटो के अफसानों जैसी खोली थी, तो हम वहाँ पे खाना वाना खाने जाते थे, एक्सप्लोर कर रहे होते थे। मेरा ऑफिस था 107 का शारे फैसल पे, तो वो मुझे छोड़ने जाया करते थे वहाँ पे कभी कभी, तो यस ये लोग। और फिर जब थोड़ा वक्त आगे बढ़ा तो सुहेल हैदर, अयाज सम्मू, रज़ा हैदर, ये सब लोग मेरी ज़िंदगी में आए जब मैं गुलिस्तान जौहर में रहना शुरू किया मैंने, आई स्टिल रिमेंबर। सो यस, जहाँ आपको बहुत बुरा, मैं बुरे नहीं कहता कभी भी क्योंकि हम बुरे नहीं होते, जहाँ आपको आपसे मुख्तलिफ लोग मिलते हैं वहाँ आपको आपके जैसे लोग भी मिल जाते हैं। नबील और मैं आज टीवी में जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं एक रेडियो शो करता था 107 पे ही, एक पंजाबी भंगड़ा, तो वो सुनकर मुझे कॉल आई आज टीवी से कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, ये जो आप ये किरदार करते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे टीवी पर करें। तो वहीं पर नबील भी वहाँ पर काम किया करते थे। अच्छा, और नबील और मैं अक्सर जब स्ट्रगल कर रहे थे, नबील भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो नबील के पास हमेशा से बहुत से आइडियाज़ हुआ करते थे, बड़े अछूते किस्म के, और पैसे नहीं हुआ करते थे लेकिन तब, लेकिन वो हमेशा डिस्कस किया करते थे। और नबील को कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखता था मुझमें, क्योंकि हम लोग जब आज टीवी पे
ओकेजनली फिल्म्स किया करते थे ईद के लिए, तो उसमें मुझे छोटे छोटे रोल्स दिए जाते थे, तो उन छोटे रोल्स में भी कहीं ना कहीं नबील की आंख ये देख लेती थी कि अच्छा यार उसे मैं तेरे साथ ज़रूर काम करूँगा। तो उसके पास बड़े अनोखे आइडियाज़ होते थे। तो मुझे याद है कि जब मैं मज़ाकरात के लिए फिर लाहौर शिफ्ट हो गया कराची से, तब एक दिन नबील की मुझे कॉल आई कि यार फिल्म कर रहा हूँ मैं, फिज़ाली मिर्ज़ा मिली है मुझे, प्रोड्यूस करेंगी वो, और फिल्म कर रहा हूँ और ये किरदार तूने करना है। और वहाँ से फिर वो कहानी शुरू हुई। लेकिन नबील का और मेरा साथ हाँ हमेशा से बड़ा पुराना, क्योंकि अक्सर लोग पूछा करते थे, मुझे आज भी याद है लाहौर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और नामालूम अफराद 1 लॉन्च कर रहे थे, उसकी प्रमोशन के लिए हम गए थे, तो एक साफी भाई ने पूछ ही लिया नबील से, इनको क्यों ले लिया आपने ये? तो नबील का जवाब बड़ा मेरे लिए बड़ा काबिल फ़ख्र था। उन्होंने कहा कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि मैंने इनको क्यों लिया। और मैं नबील का मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने फिज़ा को कन्विंस किया एक नए लड़के पे, उन्होंने अपनी पूरी कास्ट को अपने प्रोड्यूसर्स को कन्विंस किया कि हम इस पे खेल सकते हैं। सो या नामल, देखिए हमारे यहाँ अभी उस तरह से फ्रेंचाइजेस डेवलप नहीं हुई हैं, आई होप कि हम कर पाएँ। 2 के बाद 3 में अभी फिल वक्त तो गैप है ज़ाहिर है, क्योंकि अभी कायदे आज़म जिंदाबाद है, फिर फैट मैन फिल्म वाला की तरफ से आ रही है, तो आई होप कि इसके बाद हम प्लान करेंगे कुछ। 15 साल पहले के और अब के कराची में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अब कराची बहुत हद तक पुरअमन हो चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जब मैं आया था आज से 15 साल पहले तो मेरे लिए परदेस था, लेकिन अब ये कराची जो है ये मेरा दूसरा घर है, तो मेरे लिए इसकी फ़िज़ाएँ इसकी अपनाइत और तरह की है। कराची ने अपने आप को बहुत बदला है, सिर्फ मेरे लिए नहीं ज़ाहिर है हम सब के लिए, डेवलप की भी किया है। कराची जितना वसी है हाँ उसको संभालने में हमारे आला हुकाम को थोड़ी दिक्कत का सामना है, लेकिन उम्मीद है कि ये कराची जिसने हर खित्ते के बासियों को समेटा हुआ अपने अंदर, उम्मीद है कि हम इसका हक अदा कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहसिन अब्बास हैदर, आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची पर, और हमारा ड्रामा आ रहा है दिल तन्हा तन्हा, जो कि हर बुध और जुमेरात की शब आप देख पाएंगे 9 बजे हम टीवी पर। स्टे ट्यून्ड।